गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है वैदिक। वैदिक गुड मॉर्निंग करो। वैदिक गुड मॉर्निंग, हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो। तो रोहन, रोहन भी डेढ़ पना दिखाते हुए गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे मुंह के ऊपर आवाज डाल रखा है इसने। हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन आवर अनदर व्लॉग, और आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। जैसे वैदिक है, वैदिक है, वैदिक ने ना तो अभी आज जैसे अच्छे डे, तो रोहन ने अपना पोहा बना दिया है सुबह सुबह। ये पोहा, और वैदिक के लिए दूध गर्म हो रहा है, और फिर बन गई है चाय। तो आज रात में ना रोहन के मामा के बेटे, मामा थोड़ा दूर के मामा के बेटे, उनको वो रखे, तो उनका एग्जाम है यहाँ पे हिसार में, तो वो फिर यहीं पर आ गए थे रात में। तो अभी तो 7:30 या 7:45 ही हुए, तो इन लोगों को 8:30 निकलना है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और बस अभी रोहन वो भाई नहाने गए, रोहन थोड़ा रेडी होते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद फिर लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो बस आज की शुरुआत यही हो रही है चाय पोहे के साथ, और आगे कब देर में कंटिन्यू करते हैं। ये वाओ, ये पोहा किसने बनाया? अरे सुन, मेरे से कल दिखेगी। किसने बनाया पोहा? रोहन ने। रोहन ने, चल कोई नहीं, रोहन ही अच्छा पढ़ा। अभी मैं थोड़ा काम कर रही थी इधर इस रूम में थी, तो वैदिक को देखने आई बाहर, कहाँ चला गया, तो देखो कहाँ बैठा हुआ जाके। यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? ओ गंदे बच्चे, वैदिक खाट के नीचे घुस गया और ढोल बजा रहा है। वैदिक बाहर आके बजा लो भाई, कम कम मेरा बच्चा। तो ये मैं देख रही बाहर, मैं तो दिख तो रहा नहीं मुझे, और आवाज तो आ रही है। अरे अरे, इधर से लगेगी लगेगी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से से, आराम से। अरे वाओ, अरे वाओ, अरे मेरा पाला पाला बच्चा है तू। वहां कहाँ जा रहे हो, वहां कहाँ जा रहे हो भाई, वहां कहाँ जा रहे हो अब आप? तो वैदिक अब इतना ज्यादा चलने फिरने में वो खुशी रखता है कि बस सारा दिन या पूरे दिन ऐसे घूमता रहता है, कभी उस कमरे में कभी उस कमरे में। वैदिक लो पिंगू ले लो, पिंगू, ये किसका पिंगू है? पिंगू आया, पिंगू आया, आया आया। वैदिक हगी कर दो पिंगू को, हगी कर दो, हगी कर दो, कर दो हगी, कर दो हगी, ए वेरी गुड। ये पागल हो गया। चलो मैं अपना काम करूं, मैं थोड़ा लगी थी इधर बैठ बैठ ठीक करने। तो रोहन और वो भाई गए थे, चले गए, और क्योंकि रोहन का भी ऑफिस था और उन भाई का पेपर था शायद 9:15 के आसपास, तो वो लोग चले गए थे 8:30 के आसपास। तो बस अभी मैं थोड़ा सा कमरा ठीक कर लेती हूँ, भाभी झाड़ू पोछा करके चली गई है, तो काम नॉर्मल हो ही चुका है, बस खाना बनाना है दिन में और नहाना है हम दोनों को ही फिलहाल। तो आ गया वो पीछे पीछे, ओए मेंढक, ओए मेंढक, ओए मेंढक। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस अभी मैं नहाई, वैदिक को नहला दिया, वैदिक यहाँ पे दूध पी रहा है, और एक सेकेंड कॉल आ रही रोहन की। पूरा 1 बज गया इसको सुलाने में, खेलता रहा, कभी रोए कभी बाहर खड़े हो गए, कभी कुछ कभी कुछ। अब रोहन भी आने वाले हैं इस टाइम, तो पर जा रही थी मैं अभी खाना बनाने, मैंने आलू तो उबालने टेक दिए थे, आलू आज आलू टमाटर की सब्जी और चावल बनाऊंगी। और इसको अभी थोड़ा देखते हैं, नीचे लेटाते हैं, ऊपर बेड पे से तो गिर जाते हैं, नीचे लेटाना पड़ेगा। आज रोहन के मामा या फिर मामी और उनकी बेटी आनी है, तो देखो शाम तक ही पता लगेगा, अभी तो नहीं आएंगे। वैसे वो उनका भी एग्ज़ाम है कल, उनकी बेटी का एग्ज़ाम है कल, तो वो भी आएंगे शाम तक में आएंगे। तो आते हैं तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा कि उनको भी क्या, और रोहन भी 2:15 बजे तक आ जाएंगे, तो वे जाते हैं और खाना बना लेते हैं पहले जाके, और इसको महाराज जी को नीचे सुला देते हैं। महाराज जी बहुत बिगड़ चुके हैं अभी। मेरी सब्जी रेडी है, तो सब्जी तो बस बनी गई है, देख सो गया, वैसे तो 2 बार वो हिल गया उठ गया, तो दोबारा थकिया लगानी पड़ी। और ये वैदिक की खिचड़ी बनाई है, थोड़ी सी ओट्स खिचड़ी, ये भी रेडी है। हालांकि कल ना मटर आ गए थे रात में, कल रोहन गाजर और मटर ले आए थे, पर मेरे ना बिल्कुल दिमाग से हट गई कि भाई थोड़े से ना मटर और गाजर पड़े, नहीं तो मैं वैदिक की ना खिचड़ी में वो डाल देती, तो थोड़ी सी और अच्छी टेस्टी बन जाती। वैदिक की 10 रुपये, कुर्सी पे कपड़े पड़े हैं, कुर्सी पे कपड़े पड़े हैं, और स्टैंड पे भी कपड़े ही पड़े हैं,
इधर भी बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, सब तय लगाने हैं मेरे को बैठ के, इतने सारे कपड़े हैं सब तय लगाने हैं, कुछ प्रेस करने हैं, और अभी एक मशीन धोई है, धुल गई है, मतलब वो मुझे अभी सुखाने हैं। तो बस अभी सब्जी उबल गई है, बंद करके जा रही हूँ, पहले कपड़े सुखा देती हूँ जब तक रोहन आएंगे, फिर चावल थोड़ी देर में बनाऊंगी जब वैदिक उठ जाएगा, क्योंकि अभी सीटी लगेगी फिर वो उठ के बैठ जाएगा। तो अभी बज गए हैं 5:30 की 6:07, पता नहीं मैंने तो देखी नहीं घड़ी, बहुत देर से क्या बज गया टाइम, अभी बज गए हैं 6:30। हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा बाहर, एक तो मामी मैंने बताया था दिन में कि आएंगी, तो फिर वो भी अभी पहुंच चुकी है रेलवे स्टेशन, तो उनको भी ले लेंगे, और थोड़ा सोचा हम दोनों भी चलते हैं साथ में, हम भी घूम लेंगे, काफी टाइम हो गया था बाहर निकले। फिर हम शनि महाराज के मंदिर भी जाएंगे आज, फिर रोहन कह रहे शनिवार है तो मंदिर है यहाँ पे अच्छा है एक पास में, तो कह रहे फिर वहाँ पे भी एक बार चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा है बाहर निकल लेंगे, और तो क्या है। तो बस अभी पहुँचेंगे, वैदिक अभी थोड़ा सा खुश है कि बाहर आया हूँ, बेचारा घर घर में परेशान हो जाता है। तो बस अभी मिलते हैं, पहुँचते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं मामी से। तो भाई मैं वैदिक कर रहे हैं मस्ती, और मस्ती में वैदिक मेरी तरह शरारती हो गया, आज तुझको भी ले लूं। एले मां मेरी मामी, और मामी के साथ बैठी शर्मिली याचिका, और उसके साथ में बैठे हैं मनन। कैसा लग रहा मनन है, अच्छा लग रहा है? और यसु तेरे को मजा आ रहा है? और मामी तेरे को मजा क्या, मेरे में है सब क्यों आएगा मजा, मजा मेरे में आता है। नहीं अच्छा, हाँ भाई नहीं भाई, आज कल यसु का पेपर है तो आज मामी आई है बच्चों के साथ, तो आप बस बैठे रहो। मामी मामी बनानी, मामी शरमा रही है मेरी, वैदिक देख तेरी दादी शरमा रही है, तेरी दादी शरमा रही है। तो ठीक है भाई, अभी पिंकी ने बनाई है चाय, और अभी लेके आई है नमकीन वमकीन, तो अभी सब बैठ करके चाय पियेंगे, और मैं और वैदिक थोड़ी देर के लिए खेलेंगे। ओके वैदिक, ओके। अरे वाह, आज हो गई है गैस खत्म, तो अभी क्या करने को अभी गैस खत्म हो गया, अब इंडक्शन पर रोटियां बनाई जा रही है, रोटियां सिखाई जा रही है, मेहमानों को इंडक्शन की रोटी खिलाएंगे। जैसे हमारे घर में मेहमान आए तो आज हमने उनको इंडक्शन की रोटी बना दी ना मामी। कैसी लगी करारी करारी रोटियां? बढ़िया लगी। क्या होता ना कि अक्सर जब कोई मेहमान आते हैं तो बिजली चली जाती है, पर हमारे जब कोई मेहमान आता है तो हमारी गैस खत्म हो जाती है। तो हाँ जी वैदिक, हाँ हमारे गैस बेइज्जती करवाती है, तो कोई नहीं, कल सवेरे गैस सिलेंडर भरवा करके लेकर के आएंगे, तो अभी तो आज रात तो ऐसे काम चलाना पड़ेगा, पर भगवान की दया से हमारी रोटियां तो बन चुकी हैं, है ना पिंकी, हमारा काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, गैस का इतना मोटा मोटी कोई काम है नहीं, सुबह आ जाएगा सिलेंडर, फिर सुबह देख लेंगे। और ये वैदिक हर चीज़ को खींचने में लगा रहता है, हर चीज़ को खींचता है, हर चीज़ को, इसको बस दिख जाए चादर हो, कोई सामान हो, कोई बॉक्स हो, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को बस खींच लूँ मैं कैसे भी तरीके से। चलो कोई नहीं, अभी गेस्ट ने तो खाना खा लिया, अब मैं पिंकी भी अब खाना खा रहे, आज मैंने बनाई थी दाल बढ़िया वाली, मस्त वाली, है ना मामी, बड़ा बढ़िया लगी ना, मज़ा आ गया, चलो बढ़िया। तो वैदिक मेरे पीछे आ गया है आज की बाय बाय करने के लिए, हम मैं तो दिख नहीं रही, हाँ मैं भी दिखूंगी वैदिक के साथ में, सब दिखेंगे। तो मेरे तो भाई आज का दिन बढ़िया रहा, मामी वगैरह भी आ गए, खाना खा लिया, मस्त हो गए सारे के सारे, हम लोग मंदिर भी जा करके आए आज, तो कुल मिलाकर के बढ़िया वाला दिन रहा। तो तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, है ना मनन? यस yes. तो मनन क्या कहना है आप हमारे चैनल को? यस, और वैदिक तुमको क्या कहना है? बाल खींचने मेरे को तो अत्याचार, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करें।
और शेयर भी करें, है ना, और कमेंट्स भी करें अगर आप लोगों के कुछ व्यूज हैं। हम आप लोगों को कल एक अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।